है एवरीवन, मैं हूं दुर्गेश कुमार। आप देख रहे हैं टेक्निकल लाइंस, हमारे खास एपिसोड यूट्यूब गाइड में आपका स्वागत है। और आपके लिए एक खास नोटिस आया हुआ है और ये इन्फॉर्मेशन उन यूट्यूबर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो नए यूट्यूबर्स हैं। तो ये नोटिस जो है ये यूट्यूब की तरफ से आपको भेजा गया है, एक यूट्यूब की तरफ से आपको रिमाइंडर भेजा गया है कि जो कोई यूट्यूबर्स हैं वो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है और ख़ास तौर से उन नए यूट्यूबर्स के लिए बहुत ज़्यादा जाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी चीज़ बताई गई है आपके फ़ायदे के लिए है और ताकि आप कोई भी ऐसी गलती ना करें जिसकी वजह से यूट्यूब को आपका चैनल टर्मिनेट करना पड़े, आपका चैनल डिलीट करना पड़े। तो इस नोटिस में क्या चीज़ लिखा हुआ है आइए हम आपको दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जिससे आपका यूट्यूब चैनल पर कोई भी इफ़ेक्ट पड़े, किसी भी तरीके का कोई भी ब्लॉकेज आए, किसी भी तरीके से कोई टर्मिनेशन आए, ऐसा कुछ भी ना हो आपके साथ। इसलिए आपको इस नोटिस को ज़रूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए और यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस को भी ज़रूर से ज़रूर आपको जानना चाहिए कि आपकी कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या है, उसको कैसे आपको फॉलो करना है, ये सब चीज़ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा, कहीं से स्किप मत करिएगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर लें नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबा करके। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों चलिए आपको दिखाते हैं कि कौन सा रिमाइंडर आया हुआ है। तो यहाँ पर आप जैसे ही जीमेल ओपन करेंगे तो ये जीमेल आपको वही ओपन करना है जिस पर आपका चैनल बना हो, क्योंकि ये यूट्यूब की तरफ से आपको एनुअल रिमाइंडर भेजा गया। तो आप यहाँ पर देखेंगे दिया हुआ यूट्यूब की तरफ से देखेंगे आप तो यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है एनुअल रिमाइंडर अबाउट यूट्यूब टर्म्स ऑफ सर्विस कम्युनिटी गाइडलाइंस एंड प्राइवेसी पॉलिसी। तो इस पर आपका जो है ये रिमाइंडर भेजा गया। चलिए इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। तो ये सभी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा जो भी चीज़ दी हुई है। तो यहाँ पर सिंपल से यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपको अगर आपको इंग्लिश में नहीं आ रहा है समझ में तो आप यहाँ पर से इसको सीधे कॉपी कर लीजिएगा। तो इसको आप यहाँ कॉपी करने के बाद जो है आप यहाँ पर आइएगा गूगल ट्रांसलेट, और गूगल ट्रांसलेट पर इसको जैसे ही आप इसको पेस्ट करेंगे तो आपके सामने इधर एक हिंदी में कन्वर्ट होकर के ये आ जाएगा। तो ये दोस्तों उन लोग के लिए है जिनको अंग्रेजी में थोड़ा सा दिक्कत होती है और यूट्यूब पर वो काम करते हैं, तो वो भी ऐसा नहीं है कि वो कुछ समझ नहीं सकते, वो कुछ जान नहीं सकते। तो आप देखेंगे यहाँ पर पूरा का पूरा इसका अनुवाद होकर के आ गया है, इसका ट्रांसलेशन होकर के आ गया है। तो यहाँ दिया हुआ यह ईमेल एक वार्षिक अनुस्मारक है कि यूट्यूब का आपका उपयोग सेवा की शर्तों, सामुदायिक दिशा निर्देश यानी कि कम्युनिटी गाइडलाइंस जो हैं और गूगल की गोपनीयता नीति के अधीन है, ठीक है। यहाँ पर जो है हालांकि हमारी सेवा की शर्तें एक कानूनी दस्तावेज बनी हुई हैं, हमने उन्हें समझाने में आसान बनाने के लिए उन्हें समझने में आसान बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। अब क्या इन्होंने समझाया है, तो यहाँ दिया हुआ है सामुदायिक दिशा निर्देश जो हमारी सेवा की शर्तों का हिस्सा है का उद्देश्य यूट्यूब को एक सुरक्षित समुदाय बनाना है, साथ ही रचनाकारों को अनुभवों और दृष्टिकोणों की एक विस्तृत श्रृंखला साझा करने की स्वतंत्रता देना है, ठीक है। तो ये साफ साफ यहाँ कह रहा है कि जो भी आपका कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं आप उनको जो टर्म्स ऑफ सर्विस हैं उनको आप किसी भी तरीके से वायलेशन उसका ना हो और आपको पूरा का पूरा ये स्वतंत्र करता है कि आप किसी भी तरीके की जो है चीज़ अपनी साझा कर सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है सामुदायिक दिशा निर्देश बताते हैं कि YouTube पर किस प्रकार की सामग्री की अनुमति नहीं है, यानी कि जो YouTube की जो कमिटी गाइडलाइंस है वो आपको पूरा का पूरा बताता है कि आपको किस तरीके से जो भी आप चैनल बनाया हुआ है आपको किस तरीके से वीडियो यहाँ पर किस तरीके कंटेंट जो है वो पोस्ट नहीं करना है। यहाँ द कम्युनिटी गाइडलाइंस आउटलाइन व्हाट टाइप्स ऑफ कंटेंट इज नॉट अलाउड ऑन यूट्यूब। तो यहाँ पर साफ साफ इसलिए दिया हुआ है कि कौन सा कंटेंट यहाँ पर अलाउड नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि ये नीतियाँ हमारे प्लेटफॉर्म पर वीडियो टिप्पणियों लिंक और थंबनेल सहित सभी प्रकार की सामग्री पर लागू होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप जो गाइडलाइंस है वो किसी भी ऑल टाइप्स ऑफ कंटेंट ऑन योर प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग वीडियोस कमेंट्स लिंक्स एंड थंबनेल, यानी कि चारों चीज़ों पर जो है ये गाइडलाइंस अप्लाई होती हैं। ऐसा नहीं खाली यूट्यूब का वीडियो ही, अगर आप किसी भी तरीके का कोई अभद्र तरीके का कमेंट हो रहा है या अभद्र तरीके के आप लिंक दे रहे हैं, जैसे कोई ऐसे लिंक आप प्रोवाइड करा रहे हैं यूट्यूब पर जो जनता के लिए जो आपके यूट्यूबर जो आपके जो दर्शक हैं व्यूवर्स हैं उनको किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचे तो वो यूट्यूब जो है बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है। थंबनेल को ऐसा दे रहे हैं जिससे जो है आपका जो सामुदायिक यानी कि जो कम्युनिटी है उस पर किसी भी तरीके का कोई भी गलत प्रभाव पड़े तो वो भी अलाउ नहीं है।
तो यहाँ पर दिया हुआ है सामुदायिक दिशा निर्देशों के अलावा जो निर्माता यूट्यूब पर सामग्री से कमाई करना चाहते हैं उन्हें मुद्रीकरण नीतियों का पालन करना होगा। यानी कि जो भी आप मोनेटाइजेशन करते हैं तो किस तरीके से मोनेटाइज करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं, जरूर उस पर करना है, वो सब चीज़ आपको यहाँ पर उनका पालन करना होगा। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है एक मध्यस्थ के रूप में उचित परिश्रम के माध्यम से हम अपने उपयोगकर्ताओं को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी यानी मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियमों का अनुपालन करने के लिए याद दिलाने का भी अवसर लेते हैं। तो आपकी जो भी इंडिया में गाइडलाइन है, इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस ऑफ डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, इनका इस रूल्स को भी आपको फॉलो करना होगा। यहाँ पर दिया हुआ कृपया यूट्यूब का निरंतर उपयोग और उस तक पहुंच बनाए रखने के लिए इन शर्तों का पालन करें। तो जो भी आपकी शर्तें हैं यहाँ पर YouTube की जो शर्तें हैं उनका पालन करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ दिया हुआ साफ साफ कि किसी तरीके का वॉयलेशन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो वॉयलेशन ऑफ दिस टर्म्स एंड गाइडलाइंस में रिजल्ट इन वार्निंग और फर्दर एक्शन इंक्लूड लॉस ऑफ एक्शन एंड टर्मिनेशन ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ योर अकाउंट। यानी कि इन नियमों और दिशा निर्देशों के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप चेतावनी दी जा सकती है या आगे की कार्रवाई की जा सकती है जिनमें आपके खाते तक पहुंच की हानि या उसके पूरे या कुछ हिस्से को समाप्त करना भी शामिल होगा। यानी कि आपके ऐसी चेतावनी दी जा सकती है कि जो है आप ये काम ना करें या फिर उसको पूरा का पूरा चैनल टर्मिनेट किया जा सकता है या उसमें का कुछ हिस्सा आपको टर्मिनेट किया जा सकता है, कुछ हिस्सा ब्लॉक कर दिया जा सकता है। ये सब चीज़ें यूट्यूब को करने में पूरी की पूरी स्वतंत्रता है। तो यहाँ पर ये यूट्यूब की तरफ से ये पूरा का पूरा एक मैसेज आया हुआ है और इस सभी का आपको पालन करना होगा। और जो लोग इनका पालन नहीं करेंगे तो बेशक है कि आपका YouTube चैनल कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ जाएगा। और अगर आपका चैनल प्रॉब्लम में आएगा तो जाहिर सी बात है कि मोनेटाइजेशन भी बंद हो जाएगा, आपके पैसे की जो अर्निंग है, जो आपकी जो अर्निंग है वो भी आपकी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए कोई भी ऐसा काम ना करें जो YouTube गाइडलाइन के बिल्कुल अगेंस्ट है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। YouTube गाइडलाइंस क्या है तो इसको सर्च करने के लिए आपको बता दें कि आप सिंपल सा गूगल पर जाएंगे, गूगल पर सर्च कर लीजिएगा कि YouTube गाइडलाइंस, तो YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको साफ साफ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस यहाँ पर दिया हुआ है और YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस जैसे ही आप पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने पूरी की पूरी गाइडलाइंस आ जाएगी जिसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो चाहे जैसे आप देखेंगे। तो ये सभी चीज़ें आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है, स्पैम में क्या हो सकता है, सेंसिटिव कंटेंट क्या हो सकते हैं, यहाँ वॉयलेशन एंड डेंजरस कंटेंट क्या हो सकते हैं, रेगुलेटेड गुड्स क्या हो सकता है, ये सब चीज़ आप देखेंगे यहाँ पर। आपको दिया मिस इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्री साइंटिफिक और ये सब चीज़ें आपको यहाँ दिया हुआ है। इन सभी किसी भी चीज़ का आपको उल्लंघन नहीं करना है। जो भी चीज़ आपको क्लियर करना है आप उस पर जो है फेक इंगेजमेंट है, आपका इंप्रेशंस है और ये सब इंपर्सन सेशन है और यहाँ पर एक्सटर्नल लिंक है, ये सभी चीज़ जो है आप देखेंगे कि यहाँ किस तरीके का लिंक आपको नहीं देना है। अगर सेंसिटिव कंटेंट में चाइल्ड सेफ्टी है, थंबनेल है, न्यूडिटी है, सेक्सुअल कंटेंट है, सुसाइड एंड सेल्फ हार्म है, ये सब चीज़ें आप किसी भी तरीके की वीडियो अगर इस पर आप बनाते और आप यूट्यूब पर पोस्ट करते तो जाहिर सी बात है वो जो यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन है उसको आप क्रॉस करेंगे और आपका चैनल प्रॉब्लम में आ सकता है। तो इसलिए बिल्कुल भी इन सभी चीज़ों का आप जो है पालन करें, जो भी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं इनको आप कतई ना यूज़ करें। अपने YouTube चैनल को बचाना है अगर आपको तो आपका चैनल सेफ रहेगा, आप अर्निंग करेंगे और आपकी बेहतर से बेहतर कमाई हो सकेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ और मुझे जरूर बताइएगा कि ये जानकारी कैसे लगी और जिन लोगों को नहीं पता है कृपया आप उनको शेयर जरूर करें ताकि वो भी ये चीज़ जान सकें, खासतौर से नए यूट्यूबर्स को। सो गाइज आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी जो कमेंट का बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइए और जो चीज़ आपको ना समझ में आई हो तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको बता दें कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त जो कि नए यूट्यूबर हैं वो भी ये इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। और कृपया करके आप लोग ये गलती ना करें जो इसमें दी हुई है ताकि आपका चैनल प्रॉपर तरीके से चलता रहे, किसी भी तरीके से मोनेटाइजेशन में कोई दिक्कत ना हो और आपको पैसे भी जल्दी से जल्दी मिलना शुरू हो जाए। क्योंकि अगर आपका चैनल मोनेटाइज है और एक बार डीमोनेटाइज हो जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए कोई भी ऐसी गलती ना करें जो यूट्यूब गाइडलाइन के एकदम अगेंस्ट हो। तो आप बिल्कुल से बिल्कुल वही काम करें जो यूट्यूब करता है, चाहता है कि यूट्यूब पर कोई भी ऐसी
वल्गर चीज़ ना डालें, कोई भी ऐसी गाली गलौज टाइप की चीज़ ना हो, बहुत ज़्यादा गाली गलौज भी नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके अभद्र भाषा का प्रयोग ना होना चाहिए, किसी को भी टारगेट नहीं करना चाहिए, किसी को भी आप बहला करके अपना कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ आपको नहीं करना चाहिए, जो कि YouTube पर आप अपना वीडियो पोस्ट करते समय कोई भी चीज़ ऐसी हो जो जनता हित के लिए सही नहीं है, तो वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी जो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।